हेलो गाइस, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी है इंस्टेंट ट्राइकलर बर्फ़ी। तो चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये बर्फ़ी जो है सिर्फ तीन चीज़ों से ही बनी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इंस्टेंट ट्राइकलर बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम पनीर लिया है। मैंने ये मदर डेयरी का पनीर लिया है। आप कोई भी पनीर ले सकते हैं, बट मुझे इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको हमेशा ट्राई करती हूँ। और मैंने 200 ग्राम चीनी लिया है, इसका पाउडर बना लिया मैंने, कैस्टर शुगर भी बोलते हैं इसको। और एक कप दूध लिया है। यहाँ मैंने ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर भी रखा हुआ है। तो चलिए इंस्टेंट ट्राई कलर बर्फ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पैन रखा हुआ है, पैन हल्का गर्म हो चुका है। मैं इसमें मिलाऊंगी एक कप दूध। इसको हमें थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाना है, ज़्यादा नहीं, एक से दो मिनट तक। एक से दो मिनट हो चुके हैं, तो अब इस स्टेज में मैं मिला रही हूँ पनीर। फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। अच्छे से पनीर को भून लेना है। थोड़ी भी लम्स नहीं होने चाहिए। दो से चार मिनट भूनने के बाद अब मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ पाउडर शुगर। यहाँ पे हमारी चीनी भी मेल्ट होती रहेगी और जो हमारा पनीर है वो भी साथ में भुनता रहेगा। चीनी पिघलना शुरू हो गया है। पनीर का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। चार से पाँच मिनट हो चुका है इसको भूनते हुए, इसका कलर ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। हमारी बर्फी अब रेडी होने को है।
तो ट्राई कलर बनाने के लिए हमें इसे कलर मिलाना होगा, इसलिए मैं इसको इक्वल इक्वल पार्ट में दूसरे कटोरी में रख रही हूँ। हमारा ग्रीन बैच रेडी हो चुका है, अब मैं इसको यहाँ ट्रे में स्प्रेड कर दूंगी जो मटेरियल है हमारा। अब हम सैफ्रन बैच बनाना स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा सैफ्रन बैच भी रेडी हो चुका है। अब हम जो ग्रीन बैच के ऊपर अपने वाइट बैच को स्प्रेड करेंगे। व्हाइट बैच के ऊपर हमारा जो ये सैफ्रन कलर का जो बैच था उसको स्प्रेड करेंगे। तो आप देख सकते हैं बर्फी रेडी हो चुकी है, तो मैं इसको अब 1 आवर के लिए सेट होने के लिए छोड़ दूंगी। एक घंटा सेट रखने के बाद अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। सारे बर्फी को मैंने इक्वली कट कर लिया है, अब मैं इसे दूसरी प्लेट में रखती हूँ। बर्फी रेडी हो चुकी है, मैंने इसको इक्वली कट करके रख दिया है, आप देख सकते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं बर्फी बन के रेडी हो चुकी है, ये बहुत ही टेस्टी बनी है और देखने में ही काफ़ी कलरफुल लग रही है। तो आप भी इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको बर्फी कैसे लगी, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।